आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। अब उम्र न मौसम न वो रस्ते के वो पलटे, इस दिल की मगर खाम ख्याली नहीं जाती। मांगे तू अगर जाँ भी हंस के तुझे दे दें, तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। हाय आए कोई आकर तेरे दर्द संभाले, हमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती। मालूम हमें भी हैं बहुत से तेरे किस्से, पर बात तेरी हमसे उछाली नहीं जाती। हमराह तेरे फूल खिलाती थी जो दिल में, अब शाम वही दर्द से खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। मेरे सामने ये अशआर आ गए वसी शाह के, और मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है कि सब खैर खैरियत होगी। और क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? यहाँ पर तो दोपहर होने वाली है यूके में, ब्रिस्टल में, और पाकिस्तान में तो इस वक्त शाम होने वाली होगी, असर होने वाली होगी, है ना? तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है, और मैं आपसे मुखातिब हूँ और मुखातिब होती रहती हूँ, नई नई वीडियोज़ भी डालती रहती हूँ। आज ही मैंने डाली है, यूट्यूब पे भी डाली है और फेसबुक पे भी डाली है, तो दोनों वीडियोस देखें, दोनों तरफ मुझे सपोर्ट करें जो मैं आ जाती हूँ आपके साथ बात करती हूँ, मेहनत करती हूँ। ये भी मेहनत है ना, सचमुच मेहनत है। मेहनत के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मेहनत तो करते ही रहना चाहिए जिस तरह भी हो। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो जना मुझे ना अभी सुबह किसी बहन ने पूछा कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि मुझे बहुत तंग कर रही है, और पुरानी फ्रेंड है, 10 साल पुरानी फ्रेंड है। अस्सलाम वालेकुम नाहिद अख्तर आ गई हैं, वालेकुम अस्सलाम आंटी जी, कह रही हैं बहुत शुक्रिया बेटे आप आ गए, बहुत शुक्रिया। तो कहती हैं कि जनाब मैं 23 साल की हूँ, बेटी है मेरी, बच्चों जैसी है बिल्कुल, मेरी बेटियाँ भी ऐसी ही हैं। तो कि 10 साल पुरानी मेरी दोस्ती है और मैं दोस्त बहुत कम बनाती हूँ, मेरी एक वही दोस्त है और मुझे उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मेरी वो हर वक्त डिसरिस्पेक्ट करती रहती है, बेइज्जती करती रहती है। दोस्त कैसी हुई जो बेइज्जती करती है? क्या हाल है आपका? आपकी बेटी का अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और गौतम आए हैं लेकिन मुझे लिखा हुआ समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में लिखा है। बहरहाल वेलकम, सबको खुशामदीद। तो ऐसी कौन सी फ्रेंड होती है और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो आपको तंग करते हैं, आपके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, है ना? तो वो कहती है कि मैं कोई अपनी बात बताऊं तो वो खुशी नहीं होती, वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करती है, मेरी बातों को इग्नोर करती है, मेरी खुशी में शरीक नहीं होती, मेरी गमी में शरीक नहीं होती। मैं जो हूँ तो बहुत उसको वार्म रिस्पांस देती हूँ और वार्म वेलकम करती हूँ और वार्म बातें उसके साथ करती हूँ, कभी मैंने उसकी बेइज्जती नहीं की, और वो मेरी हर बात में बेइज्जती करती है। और फिर इन द एंड अगर मैं उससे पूछूँ भी कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो आखिर में मैं ही माफ़ी मांग रही होती हूँ। यानी वो मुझे इस तरह वो ट्रीट करती है कि इन द एंड आपको लगे कि आप ही गलत हैं। और अगर मेरा कोई रिश्ता आ जाए तो कहती है पता नहीं तुम्हारा रिश्ता क्यों आ गया, तुम में तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। ये जो है ना, ये हसद है और ये जलन है, इनसिक्योर है। कहते हैं ना ये कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं, टॉक्सिक, टॉक्सिक फ्रेंड है। टॉक्सिक लफ्स आप आजकल बहुत सुनते होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ में भी टॉक्सिटी होती है, एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करते हैं, है ना? कॉम्प्लेक्स किस्म के लोग होते हैं ये, और वो आपसे खुश नहीं होती, आपकी इतनी पुरानी दोस्ती है और आप दोस्ती निभाए जा रही हैं, और वो कहती है कि जनाब आप जो हैं अच्छी नहीं हैं, और बेइज्जती भी करती है, और आप जो है ना उदास भी रहती हैं। आप कहती हैं मेरी ज़्यादा दोस्त नहीं है कोई, तो इसलिए मैं उसको किस तरह छोड़ूं, अब मेरा दिल कर रहा है, मैं उससे बहुत बदजन हो गई हूँ, पर मेरे में ये भी हिम्मत नहीं है। तो ऐसे लोगों से तो दूरी ही इख्तियार कर लेनी चाहिए, तरीके तरीके से, या तो उससे बात कर लें आप, है ना? ऐसे लोगों से तो अकेले रहना ही बेहतर है।
अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। नाहिद अख्तर कह रही हैं सेहत ईमान वाली ज़िंदगी दे, जज़ाकल्ला, बहुत 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 शुक्रिया। तो ऐसे लोगों से तो इज्तनाब करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ तो बस दूरी ही इख्तियार करनी चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। और इस तरह की दोस्त थोड़ी है, ये तो फिर आपके पीठ पीछे भी बुराई करती होगी, है ना, कहती होगी सबको कि ये ऐसी है, आपकी जो है ना वो जो शोहरत होती है उसको भी दागदार कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में। तो आप बेटे अकेले ही से बेहतर है, कोई मिल जाएंगी। आपको ये डर भी है कि मुझे आगे और कोई दोस्त मिलेगी कि नहीं, मुझे आगे और कोई फ्रेंड मिलेगी कि नहीं, मिल जाते हैं, बहुत अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। अपनी कोई हॉबी तलाश करें, कोई मशगला करें, देखें आजकल तो इंटरनेट का दौर है, कोई चीज़ सीखें, कोई आप जो है ना नेट के ज़रिए यूट्यूब के ज़रिए कोई कोर्सेज कर लें हैं। अस्सलाम वालेकुम माई सदा किचन। वालेकुम अस्सलाम जी, खुश रहिए किचन से। आप क्या पका रही हैं आज और कैसी हैं आप? तो बात यह है कि ज़िंदगी में ऐसा होता है, मैं तो ये समझती हूँ कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, कुछ थोड़े से दो चार फ्रेंड्स ज़्यादा होने चाहिए, थोड़े हों कोई थोड़े ज़्यादा हों, क्योंकि एक बेस्ट फ्रेंड हुआ और फिर उसने आपको दगा दे दिया और आपकी बेइज्जती कर ली तो तकलीफ़ भी होती है, अफसोस भी होता है, और दूसरा ये कि बाद में फिर आप अकेले रह जाते हैं। तो फ्रेंड साथ साथ ही बनाना चाहिए, और थोड़े थोड़े ऐसे फ्रेंड्स भी होने चाहिए जो थोड़े थोड़े फ्रेंड्स हों, किसी चीज़ में फ्रेंड हों। कोई एक पक्का दोस्त होता है तो वो अगर दगा दे जाए तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है ना, तो कोई ऐसा होना चाहिए, मुख्तलिफ़ दोस्त होने चाहिए आपके, कोई हल्ला गुला करने वाला हो, कोई आपको अच्छा मशवरा देने वाला हो, है ना। लोग आपकी एनर्जी को जो है ना ऐसे वो ड्रेन कर देते हैं, आपकी एनर्जीज़ को ख़राब कर देते हैं, ऐसे लोगों के साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए है। द लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी तो चलती ही रहती है, लेकिन ज़िंदगी में ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के इर्द गिर्द कैसे लोग हैं और वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, है ना। आप भी दूसरों को अच्छा ट्रीट करें, और दूसरों से भी फिर यही उम्मीद रखनी चाहिए। कुरान में भी है ना, एहसान का बदला एहसान, तो क्या हम एहसान कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही एहसान नहीं हो रहा, ये तो आपके साथ बुरा सलूक कर रही हैं और बुरा बदला आपको दे रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही चाहिए। बाकी मैंने आज अभी वीडियो डाली है, मेरी बड़ी पुरानी फ्रेंड है और मेरी इसी तरह की फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, मैंने अपनी खाला को भी दोस्त बनाया हुआ है, मेरी चची भी मेरी दोस्त हैं, बच्चियाँ मेरी दोस्त हैं सारी। तो ये जो है ना नेचर पे भी डिपेंड करता है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं अजीबो गरीब किस्म के। शम्मा शफकत आई हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ तो मुझे लंदन में उसने कहा कि मेरे पास आओ रहो, मैं रही तो नहीं लेकिन मैं उसके पास गई, उसने इतना प्यार दिया। बहुत पुरानी 83-82 की फ्रेंड है, इससे भी पुरानी मेरी फ्रेंड मौजूद हैं। तो फ्रेंड तो वो होती हैं जो आपका साथ दें हैं जी। कटिंग स्टिचिंग भी आ गई हैं, वालेकुम अस्सलाम सलाम दे रही हैं। तो आप लोगों के कैसे कैसे दोस्त हैं और वो आपके साथ कैसा सलूक करते हैं और आप उनके साथ कैसा सलूक करते हैं ये भी बताइए ज़रूर। तो दोस्ती तो ऐसा नाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता और सोने से भी महंगा है। लाइक डन वो था ना, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। तो वाकई सोने से महंगा है, मैं तो कहती हूँ हीरे जवाहरात से भी महंगा है। कह रही हैं आज तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का हुस्न नज़र है, वरना तो हम वैसे ही के वैसे हैं। बस मेरा तो दिल करता है आजकल कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ बात करूं, इसलिए मैं रोज़ ही लाइव आ रही हूं। बस अब यहां से चले जाना है, कुछ अरसा ही रह गया है, सितंबर के शुरू में हमने यहां से कूच कर जाना है इंशाल्लाह ताला वापस अपने मुल्क। तो मैं कहती हूं कि चलो हम बातें कर लें, रोज़ थोड़ी थोड़ी कर लें, काम मैंने सारे कर लिए हैं। तो वो फ्रेंड जो है ना मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड है, इसी तरह और भी मेरी पुरानी फ्रेंड्स हैं। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, अपनों में फ्रेंड्स बनाएं, लेकिन जहां आपको पता चल जाए कि ये फ्रेंड अब साथ देने वाली नहीं है या ये टॉक्सिक है या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होते, अच्छे नहीं होते, सचमुच ऐसा होता है, आपकी सेहत को ख़राब कर देते हैं, आपके दिल को ख़राब कर देते हैं, आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं। किधर चले जाना है आपने इधर से? जी मैं बेटी के पास आई हुई हूँ, ब्रिस्टल में इंग्लैंड में हूँ, तो पाकिस्तान चली जाऊँगी, लाहौर में मैं रहती हूँ इंशाल्लाह ताला, तो फिर आऊँगी। इसको मैंने कहा है मैं फिर आऊँगी, कहती थी ज़्यादा अरसा ठहरे, मैंने कहा कि अपने घर भी जाना है, आपको पता है ना अपना घर भी याद आता है। ये भी अपना ही घर है माशाल्लाह, सारा कुछ यहाँ पर मुहैया है।
लेकिन फिर भी जो है ना जाना तो है ना, कितना अरसा फिर आप बेटी के घर और दामाद के साथ रह सकते हैं ना। दिल में जो है ना होता है कि अब काफी हो गया। तो दोस्त वो हैं जो आपका साथ निभाएं, आपको अच्छा मशवरा दें, जरूरत के वक्त आपके काम आए, है ना, ऐसे दोस्त हैं। तो मेरी ये दोस्त बड़ी प्यारी है, फेसबुक पे मैंने आज लंदन की वीडियो डाली है, मुझे साथ ले गई थी, मुझे खूब सैर कराई उसने, अच्छा सा खाना खिलाया, चाय पिलाई, और अभी भी कह रही है कि दोबारा आके राहुल, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब बस दोबारा तो मैं नहीं आ सकती, आना भी मुझे मुश्किल लगता है, अब जाना भी मुश्किल लगता है, बस एक जगह पे ही सुकून रहता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के कैसे शानदार दोस्त थे अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने कैसा साथ दिया, है ना, यारे गार, गार में भी आपका साथ दिया, तो मुश्किल में भी, तो मुश्किल रसानी में दोनों में साथ दे, तो फिर वही दोस्त होता है ना। आप सियालकोट में हमें मिलने आ जाए, हाउ सो स्वीट, बस अब मैं यहाँ देखे मिल लेती हूँ ना, मैंने ज़्यादा ज़्यादा आना शुरू कर दिया, मैं आपके जवाब भी ज़रूर देती हूँ, सियालकोट बहुत प्यारा शहर है, और मेरा बहुत बहुत सलाम सियालकोट वालों को, फैसलाबाद को, पिंडी को, गुजरांवाला को, लाहौर को, पिशावर, मरदान, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, सारे मेरे अपने प्यारे शहर हैं, सारी जगहों से आप लोग देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि आप जो है ना ऐसे देख रहे हैं जगह जगह से और मेरा साथ देते हैं। तो बात यह है सारी कि जो आपके इमोशंस हैं ना और जो आपके जज्बात हैं, आप वो नहीं हैं। अगर ये आपकी दोस्त आपके जज्बात को ख़राब कर रही है ना, तो आप इससे हट जाएं, आप अलग एक इंसान हैं, पूरे के पूरे जज्बात को हावी ना होने दें। दानिश तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। माजी, वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए जनाब, खुश रहिए साथ देने के लिए। तो इमोशंस को अपने ऊपर किसी सूरत जज्बात को नहीं हावी आने देना। दिमाग से सोचें, सोच समझ के सोचें, फैसले वो करें जो आपके लिए अच्छे हों। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इस फैसले में मेरे लिए बरकत डाल दे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालता है ना। अल्लाह ताला से मांगना है हमने, और किससे मांगना है। और बाकी ये कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के ने तो तहरीर की हुई है, ख़ुद भी थोड़ी सी तहरीर करें। हैं, वो कहते हैं ना कि दुआ से तकदीर भी बदल जाती है, अल्लाह ताला ने तो लिखा हुआ ही है, लेकिन अपनी किस्मत को ख़ुद भी थोड़ा सा बदलें। अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदलने से आप काफ़ी बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में बदलाव अच्छा ही आएगा, है ना। और दूसरा ये कि खुश रहें, जिस हाल में भी हैं, अगर आप अक्लमंद हैं तो खुश रहें। खुश रहें, ठीक है जी, वो आपकी फ्रेंड जो थी वो आपको इस काबिल नहीं समझती, जाहिर है ऐसी ही है ना, जब वो आपके बेइज्जती करती है ना, डिसरिस्पेक्ट तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। माँ जी, आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानिश तनवीर, आप सुनाइए क्या हाल चाल है, खैरियत है, मौसम कैसा है। यहाँ तो इस वक्त जो है ना मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा सा है, मैंने थोड़ी मोटी सी चादर भी ली हुई है, ठंड अंदर तो फिर भी मुनासिब है, बाहर जाएं तो फिर दिल करता है कि हल्का सा स्वेटर पहन लें। शाम को ख़ास तौर पे बारिश हो जाती है रोज़, और मौसम लगता है कि यहाँ भी बदल जाएगा तो मौसम अपना बदलें, अपने दिल का मौसम बदलें, अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपका दिल का मौसम ज़रूर बदल जाता है। उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका कोई दोस्त नहीं, आप अपने दोस्त खुद बने, क्या ख्याल है सही है ना। और जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं, आपको पता चल जाता है, देखिए कितना सख्त गुनाह है। उस दिन भी मैंने बताया था, कुरान में भी है, पीठ पीछे बुराई करना, गीबत करना, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या करना है हमारे साथ, आग में झोंकना है, ऐसी आग होगी कि जो दिलों तक जाएगी, है, और ना हम मर सकेंगे और ना जी सकेंगे, क्या जिंदगी होगी, अल्लाह माफ करे। तो ऐसे दोस्त जो पीछे गीबत करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपके सामने बुराइयां करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, तो पीछे वो क्या करती होंगी है ना। तो बस ये ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान में मौसम बहुत ज़बरदस्त है, सुबह हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चल रही हैं। वाह जी वाह, दैट्स वेरी गुड। बिल्कुल मुझे यही मालूम हुआ था कि मौसम अच्छा हो गया है, और ये बता रही हैं कटिंग स्टिचिंग के सियालकोट में भी बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बारिश होती है, लेकिन फिर वो यही है कि थोड़ा सा हब्स हो जाता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी है, ज़िंदगी के मौसम है। इसी तरह ये जो ज़िंदगी के मौसम है जिसमें हब्स भी आ जाती है, गर्मी भी आ जाती है ना, लोग पैदा कर देते हैं ना, सांस नहीं आता,
कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है ना कि आपको लगता है सांस नहीं आ रहा। लोगों के रवैये बहुत मैटर करते हैं, इसलिए कभी किसी का दिल ना तोड़ें। किसी के रवैये को जो है ना अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो आपका भी हाल बुरा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। गुड लाइव कटिंग स्टिचिंग कह रही है, बहुत शुक्रिया। तो रवैये जो है ना अपने, वो बहुत ज़रूरी हैं कि आप कैसे रखते हैं और किसके साथ रखते हैं। और किसी की पीठ पीछे बुराई तो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई आपके साथ करता है ना किसी की बुराई पीठ पीछे, कोई है नहीं बंदा, इसका मतलब है वो आपकी भी करता है। क्या ख्याल है, ऐसा है ना? तो फिर क्या फ़ायदा है, कितने नफलों का सवाब है। तो बस वो रास्ता इख्तियार करें जो दिल को सुकून दे। दुनिया में बहुत सी पगडंडियाँ हैं सिराते मुस्तकीम पे, अल्लाह ताला हमें चलाए, और ये जो पगडंडियाँ हैं और अजीब अजीब से रास्ते हैं, अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। तो हमें मोतदिल रास्ता इख्तियार करना चाहिए, एतदाल वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दोस्त नहीं है या वो आपको तंग कर गया तो छोड़ दें। जब उसने आपकी इज्जत नहीं की, आपका ख्याल नहीं रखा और आपको उससे तकलीफ़ हो रही है, वो कहती है मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ। ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास, आपके बहुत करीबी भी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या एक घर में रहते हैं, तो उनसे तो छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन दोस्त से तो आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बस हमें गुमराही से बचा, है ना। दुआ करेंगे ना तो ज़रूर कबूल होगी। देखिए मैं पहले भी कहती रही हूँ और अभी फिर भी कहती हूँ कि हमने दुआएँ करना छोड़ दी हैं, हमने दुआएँ करना कम कर दी हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ के उठ जाते हैं कि हमने दूध रखा हुआ है या हमने सालन रखा हुआ है या माइक्रोवेव में फ़लानी चीज़ पड़ी है या मैंने बाज़ार जाना है या किसी मेहमान ने आना है, तो हम जल्दी से उठ जाते हैं दुआ के बग़ैर, है ना। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है। तो दुआ ज़रूर करें, अल्लाह ताला जो है ना ज़रूर ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। दानिश तनवीर कह रहे हैं माजी अल्लाह आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी। नक्श महमूद सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया नक्श, आप लोग आ जाते हैं मेरा साथ दे देते हैं। और बाकी ये कि स्माइल करते रहे, ठीक है ना। जी हाँ, ये जो दुनिया में स्माइल करना है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। लर्न टू कीप स्माइलिंग, इफ़ यू स्माइल थिंग्स विल वर्क आउट। सचमुच स्माइल से ना काफ़ी कुछ दूर हो जाता है। वो कहते हैं ज़ोर ज़ोर से हंसें हैं, लोग कहते होंगे ये कोई पागल है जो हंस रही है या हंस रहा है, लेकिन अगर आप अकेले में हंसें तो वाकई कहते हैं कि इससे आपके ना स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। तो हंसते रहें, दूसरे को बताएं ही ना कि आप जो है ख़राब है। शमा शफकत नक्श महमूद, अच्छा जी शमा शफकत नक्श महमूद हैं, अच्छा जी, चलें जी, बहुत अच्छी बात है, आपका शुक्रिया साथ देने का। तो स्माइल दें और बिल्कुल मुंह फुला के परेशान हो के ना बैठें। उस फ्रेंड को भी बिल्कुल ही एहसास ना होने दें कि आप नाराज़ हैं या आप उसकी वजह से स्माइल नहीं कर रही। आप स्माइल करें और बिल्कुल किसी के जो है ना बात को अपने ऊपर ना आने दें, ठीक है ना। और रोज़ का दिन गुजारें, जैसे मैं कहती हूँ, मैं एक दिन सोचती हूँ कि आज का दिन मैंने गुजारना है, आज के दिन में मैंने क्या करना है। अगला दिन आएगा तो फिर अगले दिन अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा वो हो जाएगा, है ना। तो हमने तो एक दिन गुजारना है और अच्छे से गुजारना है इंशाअल्लाह ताला। और बाकी ये कि ज़िंदगी के साथ साथ तजुर्बे आते रहते हैं। ये जो मैं कहती होती हूँ कभी कभी कि मैंने बाल जो है ना धूप में सफ़ेद नहीं किए, या बुज़ुर्ग कहते होते हैं ना, तो ये बात सच होती है। हमने बड़ा कुछ देखा होता है ज़िंदगी में। मैंने भी ऐसी फ्रेंड्स देखी हैं जिनके लिए मैंने बहुत बहुत कुछ किया, ऐसा ऐसा कुछ किया कि उनके माँ बाप फौत हुए तो मैं उनके पास पूरा पूरा दिन रही, उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने साथ छोड़ दिया। और उसके बाद मेरे माँ बाप के पे ना मैसेज किया और ना दुआ की और ना वो लोग आए। ऐसे लोग भी हैं, तो दुख होता है, ठीक है दुख होता है, पर कोई बात नहीं, ये अपना अपना ज़र्फ़ होता है, हर इंसान का अपना ज़र्फ़ होता है, अपना अपना ज़र्फ़ दिखाते हैं दुनिया वाले। तो जब पता चल जाए कि कोई ऐसा ज़र्फ़ दिखा रहा है और वो ऐसा है, तो बस फिर आप किनारा कश कर लें, ट्रैवलिंग करें, सैर करें, घर से बाहर निकल जाएं, वॉक करें, गोडी करें, लॉन में जाएं, फूल लगाएं, गमले लाएं सलाम खालिद रशीद, खालिदा रशीद, वालेकुम अस्सलाम।
तो दुआ का बता रही थी जी, मैं दुआ का यही बता रही थी कि क्या मैं ठीक हूँ। खालिदा रशीद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि दुआ ज़रूर करनी चाहिए, दुआ को छोड़ना नहीं चाहिए। कई दफ़ा हम नमाज़ पढ़ते हैं ना और जल्दी से सलाम फेर के उड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन में कोई ना कोई चीज़ आ रही होती है। तो हदीस है ना कि दुआ तो इबादत का मगज़ है, अद्दुआ मुख्ल इबादत है, तो इबादत का मगज़ है। आप बहुत अच्छी हैं लर्निंग बाप, बहुत शुक्रिया। तो दुआ तो इबादत का मगज़ है, हम दुआ नहीं करेंगे, हम इबादत करेंगे, नमाज ऐसे ही बस उठ के चले जाएंगे। ठीक है, नमाज में भी हम दुआ तो करते हैं, लेकिन दिल से जो वो दुआ करते हैं ना, वो जाके अल्लाह ताला तक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुँचती है। हम ऐसे ही हबड़ दबड़ में नमाज़ पढ़ लें, हबड़ दबड़ में दुआ कर लें और ना करें कि जी हमने नमाज़ पढ़ ली है, हमें दुनियावी काम है, तो फिर कितने नफलों का सवाब है ना। तो सवाब हासिल करने के लिए हम अल्लाह के करीब होते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो दुआ कर लें, है ना। आपकी एज भी बहुत है, आप बहुत खुश रही रहें माँ जी, माँ जैसी हैं आप, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी एज बहुत है जी, मेरी एज तो 65 है, 65 साल की मैं हो गई हूँ, लेकिन ज़िंदगी का कोई पता नहीं चला। ऐसे ये ज़िंदगी गुजर जाती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता, इसलिए एक एक दिन ऐसे गुजारें कि जैसे बस ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब हमें तो कुछ पता नहीं है ज़िंदगी की आखिर कब हो जानी है, ये तो वैसे किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन हमारी उम्र में तो अब ये एहसास ज़रूर होता है कि किसी वक्त भी बुलावा आ जाना है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है ना। हाय सो स्वीट लर्निंग बाप, आपको मेरी भी उम्र लग जाए आपको कुछ नहीं होगा, बहुत शुक्रिया। बस ये आप लोगों की दुआएं हैं, देखिए मैं आपके सामने आ जाती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ, और इसीलिए मुझे अल्लाह ताला चला रहा है। माँ बाप मेरे साथ थे, बल्कि मैं उनके साथ थी, तो उनका कोशिश की कि ख्याल रखूँ। अब्बू की वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पे भी, बहुत याद आते हैं, मैं यहाँ आई भी इसीलिए हूँ। बच्चे कहने लगे कि वहाँ से आप दूर आ जाएँ तो आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ा आपका दिल बहल जाएगा। ठीक है, मैं दूर आ तो गई हूँ, लेकिन कहाँ भूलते हैं, माँ बाप हैं वो तो अभी तक मेरे दिल में उधर ही के उधर पड़े हुए हैं। आई सो स्वीट, आप जैसे लोग लाइव में मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों जैसे लोग भी मुझे मिल गए देखें लाइफ में, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सारा कुछ करूँगी, कोई बात करूँगी, ये भी अल्लाह ताला ने ही मुझे फराहम किया, अचानक ही किस तरह से मैं आ गई मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो एक आम सी खातून घर में बैठने वाली मैं बेटे जैसा हूँ आपका जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर बेटे, अल्लाह ताला आपको हर जगह पे कामयाब करे, हर जगह पे, ठीक है ना। और बस जहाँ रहे ऐसे रहे कि दूसरे आपके पास आने में खुशी महसूस करें। समरीन फारूक आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम आपा, बिल्कुल वालिदैन की याद कब्र तक रहेगी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही है, अब तो अल्लाह ताला के पास जाके उनसे मुलाकात होगी। श्याम नाम है मेरा, एज 33 है मेरी जी, लर्निंग बाप बता रहे हैं। ये लर्निंग बाप नाम क्यों रखा है, जरा मुझे ये भी बता दें। कल एक कोई आया था, उसने पागल नाम था उसका है जी आप उर्दू भी बोलती हैं आप जी? हाँ, तो मैं उर्दू ही बोलती हूँ, और क्या आपने सुना है, मैं तो उर्दू में बोलती हूँ, अलबत्ता मैं पश्तो पंजाबी इंग्लिश भी गुजारा कर लेती हूँ लेकिन बोलती तो उर्दू में ही हूँ, बातचीत तो अपनी ज़ुबान आनी चाहिए और अपनी ज़ुबान जो है तो वो ही बोलनी चाहिए। यहाँ पर बाहर इंग्लैंड में मैंने देखा है लोग जो है अपने बच्चों के साथ अंग्रेज़ी बोलते हैं, अमेरिका में भी, और फिर वो अंग्रेज़ी हो जाते हैं, अपनी ज़ुबान से दूर हो जाते हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अपनी ज़ुबान से जो है ना दूर नहीं होना चाहिए, है ना, अपने नातों से और अपने रिश्तों से, अपने इकदार से जुड़े रहना चाहिए। कहते हैं पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, मुल्क छोड़ के चले जाओ, यूके आ जाओ, अमेरिका चले जाओ, पर सच्ची बात है जो सुख अपने चौबारे ना बलख ना बुखारे बस अपना घर ही अच्छा होता है, अपने लोग होते हैं, अपने जैसे लोग होते हैं, है ना। किस सिटी में हैं आप जी? मैं इस वक्त ब्रिस्टल में हूँ, और यहाँ पर इंग्लैंड में हूँ, अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ, यूके में।
महीने से हूँ, बस महीने से ज़्यादा ही हो गया अब तो, इंशाल्लाह ताला जाने का वक्त आ गया है। तो खैर से जाएं, जहाँ भी जाएं अल्लाह आपको हर दुख से महफूज रखे। समरीन फारूक कह रही हैं खुशियाँ दे अल्लाह ताला आपको भी, सबको खुशियाँ दे और परेशान ना हो। ये ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं ना इस वक्त पसीने आ गए अंदर। खिड़की मैंने बंद की हुई है तो हवा नहीं है इस वक्त। बहरहाल बात यह है कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिरोजाबाद से हूँ जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिरोजाबाद इंडिया से। ओके जी, सबा आई हैं। सलाम अलैकुम आंटी, आप बहुत खूबसूरत हैं। आए अल्लाह, ये आपका हुस्ने नजर है, कहाँ से मैं खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का जी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बेंगल सिटी, बेंगल सिटी लिखा हुआ है। बेंगल सिटी से हैं, कौन सी है जहाँ पर बेंगल्स बनते हैं चूड़ियाँ बनती हैं, यू मीन है। अच्छा चले, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे आ गए आपा खैरियत से जी। समरीन आ गए हैं कल, खैरियत से सब आ गए हैं। मैं इंडिया से हैदराबाद से हूँ। अल्लाह आपको अच्छा रखे। बहुत शुक्रिया, स्टार फैमिली कह रही हैं जी। हाँ लर्निंग बाप कह रहे हैं। बाय माँ जी, माँ जी कह रही हैं बाय बाय जी। जाइए आप अपने ज़िंदगी में, खुश रहिए, मेरी दुआ है। जो जो काम कर रहे हैं अपने अपने काम कीजिए, ज़िंदगी में परेशान ना हो, ठीक है ना। आज का दिन कैसे गुजारना है, आज का दिन गुजार लें, कल का दिन देखेंगे, ठीक है ना। हैप्पीनेस जो है ना, वो आपने खुद ज़िंदगी में लानी है। हैप्पीनेस इज चॉइस। मुझे किसी ने कहा था पॉजिटिव कैसे रहती है, तो नेगेटिव रह के क्या कर लेंगे, कितना तीर मार लेंगे हम, कितने खुश रह जाएंगे, क्या फायदा। तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए, कोशिश तो करना ही चाहिए ना। जी बस आपका आशीर्वाद मिल गया जी। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह खुश रखे आपको बहुत है। अच्छा जी, बहुत दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, जितने लोग हैं सबके लिए मेरी यही दुआ है। और परेशान ना होना, ठीक है ना। बस जो आपके दिल में आता है उसके लिए कोशिश करें, अल्लाह ताला ज़रूर देगा। ये मेरा जो है ना पक्का पक्का अल्लाह पे यकीन है कि आप जो मांगेंगे वो अल्लाह देगा, जिसके लिए कोशिश करेंगे। तो कोशिश तो शर्त है, कोशिश करनी ही चाहिए जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी खुश रहें हमेशा, ठीक है ना। तो बस ये है कि कंटेंट रहना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, है। हम जो है ना परेशान जल्दी हो जाते हैं, कंटेंटमेंट नहीं होती। आप तसल्ली देती हैं तो परेशान होने में हम आपको याद कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हिम्मत दिलाने का, दिलाना ही होती है। समरीन फारूक देखें, हमें एक दूसरे को हिम्मत दिलानी ही चाहिए। हिम्मत दिलाए बगैर तो फिर कैसे हम ज़िंदगी गुजारेंगे ना। वही जैसे बात अभी हो रही थी कि वो एक बच्ची कह रही है कि मेरी दोस्त है जो मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है, मेरे साथ बुरा सलूक करती है, और मैं क्या करूँ, मेरी 10 साल पुरानी दोस्त है। तो ऐसी दोस्त का क्या फ़ायदा जो आपको हिम्मत ना दे, आपको तसल्ली ना दे, है ना। मुझे तो इतने सारे दोस्त मिल गए हैं, इतने सारे हिम्मत दिलाते हैं। आप लोग हिम्मत दिलाते हैं, आप लोग मेरे लिए अच्छा कहते हैं, तो मैं फिर दोबारा आ जाती हूँ कोई बात करने के लिए, है ना। ज़िंदगी आपकी अपनी है, ज़िंदगी तो आपने खुद ही जीनी है। तो अगर कोई बुरा आपके लिए करता है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत लर्निंग बाप कह रहे हैं। तो खुश रहें जी आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और करते ही रहना चाहिए, बिल्कुल जी, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। कोई परेशान है इस वक्त, पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे जो परेशान बैठे हैं, हमें नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया समरीन फारूक आपकी दुआओं का। तो हमें उनके लिए कुछ अच्छा बोलना है, उनको बकअप करना है ना, उन्हें ये सोचवाने पर मजबूर करना है कि आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। ये दिन, ये वक्त, ये भी गुजर जाएगा, गुजर जाता है वक्त। हमें देखें कितना वक्त गुजर गया, क्या क्या कुछ नहीं बीता, लेकिन हम फिर भी पॉजिटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी को साइड पर कर देते हैं। क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बुरे दोस्त भी आएंगे, बुरे लोग भी आपके साथ होंगे, लेकिन आपने क्या करना है, बस सीधे रास्ते पे चलते चले जाना है, अल्लाह से लौ लगानी है, ठीक है ना।
तो जी पूजा एंड पार्लर व्लॉग भी सलाम वालेकुम सलाम। और आपको खुशी हुई ना? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। आप आए हैं सारे तो बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला जो है आप सबके लिए आसानियाँ करें। देखें, एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज बोलें, दूसरे को खुश करें, तो दूसरे खुश होंगे तो दिल में आपके लिए ज़रूर खुशी आएगी। मैं कहती हूँ ना, दूसरों को खुश रखोगे तो खुश रहोगे, दूसरों को नाराज़ रखोगे तो दिल आपका भी मुतमईन नहीं रहेगा। ये जो बच्ची कहती है मेरी फ्रेंड मुझे नाराज़ कर देती है, उसको नहीं पता चलता होगा कि आप नाराज़ हो जाती हैं। उसको पता चलना चाहिए, और वो कोई खुश नहीं होगी, लेकिन वो बस उसका आदत है। वो जहाँ पली बड़ी है वहाँ पर यही उसको सिखाया गया है ना। ये बात है। तो बस ये बात है कि जनाब शीरी आई हैं। कहाँ से हैं आप आंटी जी शीरी? मैं इस वक्त तो यूके में हूँ, ब्रिस्टल से बात कर रही हूँ। अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ, महीना हो गया है, बस अब जाना है इंशाल्लाह सितंबर में। तो यहाँ से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर में होती हूँ, और कोई 2 साल से मैं यूट्यूब चैनल पे आई हुई हूँ और इसी तरह गुफ्तगू करती हूँ आप सबके साथ। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ और हर वक्त बच्चों की टेंशन रहती है, सबा कह रही हैं। सबा जी, ये तो होता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे तो अभी भी बच्चों की टेंशन रहती है। ये देखो मैं बच्चों के पास आई हुई हूँ। मैं एक दिन अपने अब्बू से कह रही थी सब उनके लिए ज़रूर दुआ करें, फौत हो गए हैं, इस फरवरी में चले गए। मैं उनके साथ होती थी, हम लोग उनके साथ होते थे। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा अब्बू ये दुनिया की जो परेशानियां हैं, बच्चों की परेशानियां हैं, क्या ये कब ख़त्म होंगी? तो मुझे कहते हैं मैं तुम्हारी परेशानियों से ख़त्म हो गया हूँ, मैं तुमसे फारिग हो गया हूँ। तो ये चलती रहेंगी ज़िंदगी में। बच्चे छोटे होते हैं तो और तरह की परेशानियां, स्कूल जाते हैं, और बड़े होते हैं तो उनकी पढ़ाई, उनकी कॉलेज में एडमिशन, फिर उनकी शादियां क्यों नहीं हो रही, अगर शादी हो गई है तो बहू कैसी है, दामाद कैसा है, उनके आगे बच्चे हुए हैं कि नहीं, बेटा है कि नहीं, बेटी है कि नहीं, ये चलता ही रहेगा सिलसिला। जहीरुल हसन आए, अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी, मैं इंडिया से हूँ, दुआ करें अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बड़ी अम्मी कहना बहुत अच्छा लगा, जजाक अल्लाह। शीरी पहली बार देख रही हूँ आपका लाइव, बहुत शुक्रिया। आप लोग सब सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को भी बताएं, शेयर भी करें। मैं तो यहाँ इसीलिए आती हूँ कि कोई अच्छी बात बता दूँ, तो परेशान नहीं होना बेटा, ये बच्चों की परेशानियाँ होती हैं। और मैं अपनी बेटी को भी उस दिन कह रही थी कि मैं ना जब शुरू में थी, जब मेरी शादी हुई, या मैं जब जवान थी, यंग थी, तो छोटी छोटी बातों पे बहुत परेशान हो जाती थी। इवन कोई गिलास टूट गया, कोई अच्छी प्लेट टूट गई है, कोई कपड़ा फट गया या गुम गया या कोई भी ऐसी चीज़, तो मैं परेशान हो जाती थी, फिर मैं सोचती रहती थी। लेकिन अब नहीं, अब मुझे आके इस वक्त समझ आई है ज़िंदगी के इस हिस्से में कि इंसान अहम है, आपके रिश्ते अहम हैं। एकदम से कोई बीमार हो जाए, कोई चला जाए दुनिया से, तो बहुत तकलीफ़ होती है। माँ बाप जितना अरसा भी साथ रहें, हमें लगता है कि हम कम ही रहे उनके साथ। अब मैं अपनी उम्र को देखती हूँ, कल मैं सोच रही थी, अम्मी अब्बू को याद कर रही थी, तो मैंने कहा मैं भी 65 साल की हो गई हूँ, अब तो मेरे बच्चों को मेरी परेशानी लाहक रहती है, पूछते रहते हैं, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ, दिल से वही हूँ। तस्वीर देख लूँ, अपने आप को देख लूँ, तो मैं कहती हूँ कितना टाइम गुजर गया, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारी शक्लें बदल गई, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन दिल वही रहता है। दिल में जो है ना, थोड़े हमें पता चल जाता है ज़िंदगी का, हमें तजुर्बे हासिल हो जाते हैं। तो तजुर्बों से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भी मुस्तफीद करूँ, आपको बताती रहूँ अपने तजुर्बे, और आप लोगों को बताऊँ कि परेशान नहीं होना। कोई आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है, बच्चों की परेशानी है, मियाँ की परेशानी है, या बीवी की परेशानी है, तो परेशान ना हो, अपना घर कभी छोड़ के ना जाए। बच्चियों को मैं हमेशा यही कहती हूँ, एक टाइम आता है बंदे का दिल करता है, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं, और आजकल घर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, घर छोड़ के बच्चियाँ चली जाती हैं, क्योंकि बच्चियाँ पढ़ लिख गई हैं, वो अपना कमाने लगी हैं, अपना खाने लगी हैं, तो उनको ये लगता है कि जी तुम ना सही, कोई और सही। लेकिन फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की ज़िंदगी आगे से ख़राब हो जाती हैं, और फिर एक टाइम आता है कि वापस पलटना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा काम ना करें कि वापस पलटना मुश्किल हो जाए, क्योंकि आजकल तो शादियां होना ही बड़ा मुश्किल हो गया है,
रिश्ते नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या खूब से खूब तर की तलाश में हम लोग सरगर्दा हैं, शादियां नहीं हो रही। मुझे एक बेटे ने लिखा था कि मेरे माँ बाप को आप समझाएं, वो समझते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हमने बड़ी ज़्यादा लेविश शादी करनी है, पैसे नहीं हैं तो शादी भी नहीं हो रही। मैं तो उन्हें ये कहती हूँ कि निकाह जल्दी करें, बच्चों की शादियाँ जल्दी करें। मैंने भी अपने बच्चों की शादियाँ जल्द अज जल्द कर दी थी, जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल हुई। इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि वो अब कितना कमाएंगे या उनके पास कितना है। अल्लाह देता है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह देगा। तो इस बात में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आजकल वाकई रिश्ते नहीं मिल रहे और बहुत तलाकें हो रही हैं, घर बहुत टूट रहे हैं। बड़ा मुझे अफसोस है इस बात का। पहले ऐसे नहीं होता था। हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी खालाएँ, मुमानियाँ, चचियाँ, या इवन हमारी जो जनरेशन है, कोशिश करती थी और कोशिश करती रहती है अभी भी कि घर बना रहे, जुड़ा रहे, है ना। क्योंकि जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना तो बहुत आसान है। बात बनाना मुश्किल है, बात बिगाड़ना बहुत आसान है। तो बात को हमेशा बना के रखें, ठीक है ना। अच्छा रहा आपका सुनकर, शीरीन कह रही हैं, पहली बार सुन रही हूँ आपको। आपका बोलना ऐसे लग रहा है कि आप मुझसे ही बात कर रही हैं। जी शीरीन, बिल्कुल। मैं वैसे आपसे ही बात कर रही हूँ और इसी तरह सारों से ही बात कर रही हूँ। देखिए शीरी बच्चे, परेशान नहीं होना। मैं अपने बच्चियों को भी कहती हूँ, क्योंकि मेरी भी दो बेटियाँ हैं और एक बेटा है, तो दोनों जो हैं पढ़ लिख के शादीशुदा हो गई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनको अभी भी समझाती रहती हूँ, बेटे को भी समझाती रहती हूँ। और बेटे को मेरा हमेशा यही कहना होता है कि अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसके साथ हेल्प भी करो, काम भी करो, और उसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है। अपना घर छोड़ के आती हैं हमारी बच्चियाँ, फिर हम उनका ख्याल नहीं रखते, फिर हालात ख़राब हो जाते हैं, उनसे बुरा सलूक करते हैं। जैसे एक बच्ची ने मुझे लिखा था कि मैं आई हूँ शादी करके और जो है ना मुझे कोई प्राइवेसी नसीब नहीं होती, मेरे कमरे में एसी है, सारे उधर ही आके सो जाते हैं, तो मैं क्या करूँ। घर वाले तंग करते हैं और तरह तरह के और भी मसले मसाइल बड़े बताए थे, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। तो बात यह है कि हम तंग क्यों करते हैं। कोई बच्ची आती है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको प्राइवेसी दें, उसके अंदर मुदाखलत ना करें, उसको जमने तो दें, आने तो दें, उससे प्यार मोहब्बत करें। फिर अगर वो प्यार मोहब्बत ना करे तो फिर आप कहिएगा। हाँ ये ज़रूर है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बेशक आप उसको माँ जी कहते रहें, सास सास होती है। तो इतना ही उसके साथ घुले मिले जितनी आपको जो है ना लगे कि आसानी है, बस सीधी सी बात है। अमन आई, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटी जो है वो बेटी होती है, बहू बहू होती है। कोशिश करें कि उसको तंग ना करें, ठीक है। बहू को आप कुछ थोड़ा सा भी कुछ कहेंगे तो उसके दिल पे जाके लगेगा। बेटियों को कहते रहें, बेटियां भी ढीठ होती हैं, माएँ भी ढीठ होती हैं, ये रिश्ता ऐसा ही है। जो मर्जी कहते रहें, हम कह देते हैं बेटियों को, जितनी मर्जी बड़ी हो जाए। मैं तो अपने बेटे को भी कह देती हूँ कभी कभी, वो कहता है मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। मैं कहते जितने मर्जी बड़े हो जाओ तुम, जितने मर्जी तुम बड़े हो जाओ, जितने मर्जी बड़े ऑफिसर बन जाओ, जो मर्जी हो जाए, लेकिन मेरे लिए तुम बच्चे हो। तो माओं का ये फ़र्ज़ है कि हर उम्र में समझाएं, है ना। तो मैं चूंकि माँ हूँ इसलिए मैं सब समझती हूँ, घर में क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है। कल एक बच्ची ने लिखा था कि मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे बताएं कि मैं किस तरह का मेकअप करूँ, किस तरह का ड्रेसअप हो। तो मैं ये सोच रही थी कि मेकअप और ड्रेसअप होना तो साइड पे रह जाता है, और बड़ा कुछ होता है ज़िंदगी में, बड़े मसले मसाइल आते हैं, तो सिराते मुस्तकीम पे चलना पड़ता है फिर बहुत ज़्यादा। आपका लाइव दिन को कितने बजे रहता है। मैं तकरीबन इसी वक्त आ जाती हूँ, आजकल कुछ अरसे से मैं आ रही हूँ। यूके में 11 बजे होते हैं, 11:30 हैं, और पाकिस्तान में कितने हुए, 12:01:02:03। कोशिश कर रही हूँ कि मैं आ जाऊँ कुछ अरसे से, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी लगता है कि थोड़ी फारिग फारिग भी हूँ। वैसे भी मैं फारिग ही हूँ, अब बच्चे शच्चे तो सब चले गए, अम्मी अबू को देखती थी वो भी चले गए, अल्लाह के पास चले गए। तो अल्लाह ताला ने मुझे प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आपका कोई लाइव मिस नहीं करना है। बहुत शुक्रिया शीरी, मैं लाइव आई हुई हूँ। पिछले भी मेरी वीडियोस देखी है, जो मैंने पिछले कल भी बात की, परसों भी बात की, कल
काफ़ी सारी हैं, मेरी लाइव भी हैं और बहुत सारी वीडियोस भी हैं, मेरी हज़ार से बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, शॉर्ट्स भी हैं, मैं बनाती रहती हूँ। कोई भी अच्छी बात मेरे जहन में आए, मैं सैरें करा रही हूँ यहाँ पर यूके में, लंदन गई थी, मैनचेस्टर गई थी, अपनी देवरानी के पास गई थी, उसकी भी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी बनाई हैं। तो आप सब देखिए प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि ये भी मेहनत है है ना, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। एक और टिप है आपके लिए कि मेहनत करें, जो भी काम है, जो भी काम है। माशाल्लाह, शीरिन कह रही हैं बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम अलैकुम, आप कहाँ से हैं? उबैद खान पूछ रहे हैं। जी मैं इस वक्त तो बैठी हूँ ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में, यूके में, लेकिन मैं लाहौर से हूँ, पाकिस्तान से। तो कोशिश, हिम्मत, मेहनत, बस उसी से जो है ना आगे काम चलता है। तो अपने घर में भी कोशिश करनी पड़ती है, अपने रिश्तों में भी कोशिश करनी पड़ती है, अपने दोस्तों में, दोस्त अहबाब में, जहाँ भी आप हैं, कोशिश किए बगैर कुछ नहीं मिलता। और तवातुर, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं कनेक्शन है मेरा आपके साथ बन गया है, आप लोग अब मुझे समझ भी गए हैं, जो पहले देखते हैं, पुराने हैं बहुत सारे, नए भी साथ शामिल हो रहे हैं। उबैद की अम्मी नहीं जी, मैं तो अब्दुल्ला की अम्मी हूँ मेरा बेटा एक है अब्दुल्ला, जो कि एयरफोर्स में होता है और वो पाकिस्तान में है, बाकी दो बेटियां बाहर होती हैं, एक इंग्लैंड में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है, बस ये तीन मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दोनों मियां बीवी इधर आए हुए हैं अपनी बेटी के पास, और यहाँ पर कुछ टाइम गुजार रहे हैं। यहाँ का किचन मैंने संभाल लिया हुआ है, क्योंकि माएँ ऐसी ही होती हैं, माओं का दिल करता है कि वो सारे काम खुद कर लें, बच्चों को सुकून दे दें। बच्चे कहते हैं आप सुकून करें, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटे, मैं आई हुई हूँ, फिर तो आप लोग खुद ही खाना पकाते हो, खुद ही सारा कुछ करते हो, तो यहाँ आके मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इस तरह मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मेरा दिल खुश हो जाता है और मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। मेरी बहन भी इंग्लैंड में है, उबैद खान कह रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो इंग्लैंड अच्छी जगह है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बस फिर ये है कि आप थोड़े तन्हा हैं, थोड़ी सैडनेस है, थोड़ी डिप्रेशन है, क्योंकि यहाँ तो इर्द गिर्द मैंने कोई पाकिस्तानी और कोई एशियन नहीं देखे, जहाँ पर मैं हूँ अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देती, और अकेलापन है, सारा दिन मियाँ बीवी काम करते रहते हैं, वीकेंड पे ग्रॉसरी कर लेते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह कहीं चले जाते हैं वीकेंड पे, टफ़ लाइफ है, बैठे रहते हैं। तो शुक्र है अब वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो बच्चे घर से काम कर लेते हैं, हफ्ते में एक दो दिन जाना पड़ता है, लेकिन बस ज़िंदगी है ये, यहाँ की टफ़ लाइफ है। मैं तो यही कहूँगी यूके की ज़िंदगी खट्टी मीठी ज़िंदगी है, खटास भी है, मिठास भी है, लेकिन हम जैसे बुज़ुर्गों का यहाँ दिल नहीं लग सकता। पता नहीं जिन लोगों का दिल लगा वह अच्छी बात है, दिल लग जाए, जहाँ पर जाएँ फैसले करें, सोच समझ के करें, अपना मुल्क छोड़ना है तो सोच समझ के आएँ, और अल्लाह ताला फिर आपके फ़ैसलों में इंशाल्लाह ताला बरकत डालेगा। लेकिन फ़ैसलों में बरकत की दुआ ज़रूर करनी चाहिए, फिर वही बात कि दुआ ज़रूर करें, दुआ को ना छोड़ें, तहज्जुद में दुआ करें, अल्लाह ताला ज़रूर जनाब आपको कामयाब करेगा और सुनेगा। उबैद अपबीट स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान से हैं जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप लोगों का शुक्रिया साथ देने का, खुश रहिए जहाँ भी रहिए, दिल खुश कर देते हैं आप लोग, वरना मैं यहाँ पर इस वक्त खाना बना के मैंने खाना पता क्या बनाया, कल मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आप अपने बताती रहें जो आप बनाती हैं और अपने जो है ना शेयर करती रहें रेसिपी। मैंने उस दिन जुगाड़ी हलीम बनाई थी, उसकी वीडियो भी है बड़ी मज़ेदार, मैंने बनाया चिकन और चने बनाए मैंने शामी कबाब के लिए, तो और कोई नहीं था, दाल और नहीं थी, वरना तो दालों को मिक्स करके तो हलीम बनाते हैं एज़ यू ऑल नो। तो मैंने क्या किया, वो मलीदा पकड़ा, बीच में मैंने डाला दलिया भिगो के, मैंने डाली बीच में चावल, वो इतने ज़बरदस्त हलीम बन गई ना, जुगाड़ी हलीम तो आज मैंने क्या किया, कल चिकन पड़ना था रात को, वो चिकन तो खा लिया, थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने मसाला बनाया, मैंने उसके अंदर वो चिकन डाल दिया, उसके अंदर मैंने आलू डाल दिए, अच्छा मसाला बनाया, दही बनाया, टमाटर शमाटर डाल के, बिरयानी मसाला डाल के, और कल रात को मैंने चावल अलग उबाल के रखे थे, वो भी पड़े हुए थे, तो हमने फिर आज जुगाड़ी क्या बनाई, जी हाँ जुगाड़ी बिरयानी बनाई, तो वो भी बन गई है बड़ी अच्छी, तो बस अभी वही खाएंगे जिसने खाना है। बाकी मैंने गोभी बनाई थी, गोभी कोई खाता ही नहीं है, मैं ही खा रही हूँ, खा खा के थक गई हूँ, तीसरा दिन है आज, तो बस मुकाई देनी है।
तो सालन फेंकने को, खाने की चीज को फेंकने को दिल भी नहीं करता और फेंकना चाहिए भी नहीं, है ना। कोशिश करके खुद ही खाना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की नेमतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी और हम भी, ये दोस्त भी नेमतें हैं, ये एक दूसरे का साथ भी नेमत है, हर तरह की नेमतें हैं। ये बोलना नेमत है, सूंघना नेमत है, देखना कितनी बड़ी नेमत है, आँखें कितनी बड़ी नेमत है ना। जब नेमत होती है उस वक्त हमें उसका इदराक नहीं होता, तो इदराक करें। यहाँ पर इस वक्त क्या टाइम है, इस वक्त मुझे मेरा ख्याल है 12 बजे के करीब होंगे। यहाँ का और पाकिस्तान का 4 घंटों का फ़र्क है। तो मैं जब शुरू किया था तो अब कितना टाइम हो गया, कुछ इतना ही मुझे अंदाज़ा है, तकरीबन ऐसा ही टाइम होगा। हर जगह का फ़र्क होता है। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है तो मैं हिसाब ही लगाती रहती हूँ, पाकिस्तान में अब इतने हैं तो अब इतने घंटे और मिला लो तब तो ऑस्ट्रेलिया में इतना टाइम होगा, तो अब वो उठी भी होगी, है ना। तो इंग्लैंड में इतना है, यहाँ पर 4 घंटों का, कभी 5 घंटों का फ़र्क पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर इसी तरह है ज़िंदगी, मसरूफ़ मसरूफ़। आर यू फ्रॉम इंडिया, माइकल पूछ रहे हैं। नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर। तो और समीना तारिक आई हैं, लाइफ बोरिंग इन इंग्लैंड, क्या ख्याल है। मेरा तो यही ख्याल है, मैंने तो बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं। यहाँ पर जो है ना पूरा दिन बस मसरूफियत यही है कि किचन में काम कर लो, उसके बाद आप क्या करो, हैं बैठ जाओ टीवी देख लो। अपने नहीं है उस तरह से कि चले जाओ, कोई भाई बहन आ जाए मिलने के लिए, खाला की तरफ चली जाओ, फूफो की तरफ चली जाओ, अपने जैसे लोग होते हैं ना। मुझे तो यहाँ की शॉपिंग भी नहीं मज़े की लग रही। कल मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलना है शॉपिंग के लिए, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं लेना, मुझे यहाँ की चीज़ें नहीं अच्छी लगी। उस दिन मैं गई थी, अलबत्त स्वेटर स्वेटर देखूंगी, लेकिन वो अभी आए नहीं हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, उबैद खान कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। तो यहाँ की ज़िंदगी जैसे मेरी बेटी बताती है कि मामा अभी तो आप सर्दियों में देखना, अंधेरा ही अंधेरा होता है। सुबह मैं जाती हूँ ऑफिस तो अंधेरा होता है, बाहर वापस निकलती हूँ तो अंधेरा होता है, दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें ही रातें होती हैं, रातें गुजरती ही नहीं, बहुत लंबी हो जाती हैं। अब देखिए अंधेरा अंधेरा ही हो और आपको सूरज ना नजर आए, आपको रोशनी ना नजर आए, आपको दिन ना नजर आए, बारिश ही बारिश होती हो, तो फिर कैसी ज़िंदगी है। हमारे मुल्क में तो क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म के मौसम हैं और ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट्स हैं, जामुन आम आजकल होंगे, है ना। हमारे तरबूज भी बड़े शानदार हैं, हमारे केले बड़े अच्छे हैं। यहाँ भी हैं फ्रूट्स, तो सारे मिल जाते हैं। हेलो सिस्टर, जीजस लव यू, हाउ आर यू डूइंग। आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे, आई होप एवरी थिंग इज़ ओके। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। मैं इसी तरह आती रहूँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी। आपने कोई सवाल जवाब भी करने हों तो ज़रूर करें, और अपना जो है ना व्यू भी ज़रूर दिया करें, पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दिया करें, और देखा ज़रूर करें मेरी वीडियोज़, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। मेरी मेहनत, मैं कहीं भी जाती हूँ ना सैर पे, तो सारे कहते हैं अब आप वीडियो बनाने शुरू कर देंगी, तो मैं कहती हूँ मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी देखें, बाकी लोग भी जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, मैं जैसे इंजॉय कर रही हूँ, मैं जैसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो उसी तरह वो भी ज़िंदगी को इंजॉय करें और देखें। अभी मैं यहाँ पर करीब, एक शहर है बाथ के नाम से, BATH, नहाना, बाथ। तो ये मुझे कहते हैं बाथ लेके जा रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं कैसा सिटी होगा बाथ, तो नाम ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं विल प्रे फॉर यू, थैंक यू वेरी मच, माई मॉम इज़ लाइक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल मैं माँ हूँ, बहन हूँ, दादी हूँ, नानी हूँ, खाला हूँ, फूफू हूँ, है बड़ी अम्मी हूँ, दीदी हूँ, बच्चों भी मुझे कुछ लोग कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबका प्यार है ये, हैं। तो वहाँ पर हम गए ना, तो वो वाकई बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ से हम लोग कितने देर में, 1.5 घंटे में या घंटे में पहुँच गए होंगे। बात कहते हैं कि वहाँ पर एक जगह है कि वहाँ पर उन्होंने टिकट लगाए हुए हैं, हर जगह पे ये लोग टिकट लगा देते हैं, टिकट लगाओ जाओ अंदर देखो, अंदर कुछ नहीं होता, बुत होते हैं, कोई कोई मुजस्मे खड़े होते हैं, कोई पुरानी चीज़ें होती हैं, टिकट लेके अंदर चले जाओ, लाइनें लगी होती है लंबी 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 लंबी। मैं पहले भी इंग्लैंड आ चुकी हूँ, तो वो इस दफ़ा तो मैंने गई मादाम तुसाओ के म्यूज़ियम में देखा हुआ है मैंने, इस दफ़ा इतनी लंबी लंबी वहाँ लाइनें थी, इतनी लंबी लंबी लाइनें थी। तो
तो बात में ये था कि जी वहाँ पर पता नहीं कैसे नहाते थे उस ज़माने में और क्या कोई इस तरह की चीज़ थी, तो वहाँ पर भी टिकट लगे हुए थे, बड़ा ही हुजूम था। तो बेटी मेरी कहती है जाना है आपने देखना है, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देखना कि वो बताते हैं कि कैसे नहाते थे वहाँ पर, चीज़ें हैं वहाँ की, मैंने कहा मुझे कोई शौक नहीं है। अलबत्ता वहाँ पर बाकी शहर बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त एक पार्क था फूलों से भरा हुआ, तो वो मैंने अभी वीडियो नहीं डाली क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी थी, तो मैंने कहा कि ज़रा उस पर टाइम लगेगा इंशाल्लाह ताला डालूंगी। यहाँ पर वो हमें ले गए थे, एक पोटेशेड सी है और पोटेशेड अरीना है यहाँ ब्रिस्टल के करीब, बाकी यहाँ वो है मॉल है वहाँ ले जाते हैं। तो इस तरह की वीडियोस मैं बना देती होती हूँ, ख़रीदारी करते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो बना लेती हूँ मैं कहती हूँ शेयर करूँ, ठीक है ना। समीना राठौर व्लॉग आई हैं, कह रही हैं आप कहाँ से हो। जी मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ, इस वक्त यूके में हूँ तो ये है कि आप लोग ज़रूर देखें, शेयर भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मेरी मेहनत है, मेहनत रंग ला रही है। माशाल्लाह आप लोग साथ दे रहे हैं दिन ब दिन थोड़े थोड़े करके, माशाल्लाह लोग बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2-2.5 साल से मेहनत कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख लेते हैं और मैं खुश हो जाती हूँ। हैं इंसान की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हर इंसान की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बड़ी खुशी तो क्या होती है ना। तो जिसको छोटी छोटी खुशी चाहिए, जिसको भी खुशी चाहिए, अब जैसे सुबह शुरू में मैंने बताया कि वो बच्ची कहती है कि मेरी फ्रेंड मुझे जो है तो डिसरिस्पेक्ट करती है, बेइज्जती करती है, तो उसको क्या मिल जाता है। नहीं, इस बच्ची की यही छोटी सी खुशी है कि कोई उसकी बात सुन ले, उससे बात कर ले, उसकी दोस्त उसका ख्याल रख ले, कोई रिश्ता आया तो उसके साथ खुश हो जाए, उसको कोई मशवरा दे दे, यही चाहिए होता है ना ज़िंदगी में। और क्या चाहिए हमें एक दूसरे से, क्या चाहिए, पैसा तो नहीं चाहिए और पैसा तो रहता भी नहीं है हर वक्त, है ना, क्या ख्याल है। मैं इंडिया से हूँ, दुआओं में ज़रूर याद रखें, समीना कह रही हैं। आपकी स्टोरी मेरी सेम है जी हाँ, तो कहानियाँ तो होती हैं ना एक जैसी, ज़रूर होती हैं। इसीलिए तो मैं सुनाती रहती हूँ अपनी स्टोरीज़ और मैं यही कहती रहती हूँ कि परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशानी हर एक की ज़िंदगी में है। देखने में कई दफ़ा इंसान लगता है कि इसकी ज़िंदगी में तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो फूलों में खेलती है, पौधों में रहती है, हंसती खेलती रहती है, पॉजिटिव है, लेकिन होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी अपना लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप उदास रहेंगे, फिर आप परेशान रहेंगे। उदासी और परेशानी का तो कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं फ़ायदा उसका सच में। अगर आप उदास हैं परेशान हैं, बाहर निकल जाएं, वॉक करें, वॉक से आपके जो है ना दिमागी हालात काफ़ी बेहतर होते हैं बहुत शुक्रिया समरीन फारूक, कह रही हैं आपा अल्लाह आपकी मेहनत में बरकत दे, आपका काम दिन रात चौगुनी तरक्की करे, आमीन। बहुत शुक्रिया, आप भी साथ देती हैं, हमेशा साथ सामने आ जाती हैं और कमेंट भी करती हैं। तो बस यही बात है कि हमने एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को उठाना है, अप करना है, डाउन नहीं करना किसी भी सूरत। जी दीपू शर्मा आई हैं, नमस्ते कह रही हैं, कैसी हैं जी दीपू शर्मा। तो ज़िंदगी में एक दूसरे को उठाएं, नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। आप कैसी हैं दीपू शर्मा पूछ रहे हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, आपके साथ बातें कर रही हूँ गुफ्तगू फरमा रही हूँ। अब हमने इस उम्र में गुफ्तगू ही फरमानी है, सेहत जो है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी जाती है तो कोई बात नहीं। एक और नेकी कर दें, आप देवर से पूछ के नेकी कर दें। अच्छा जी, आपने जो वो कहा था शमा शफकत, चले मैं पूछूंगी, चले मैं आज कोशिश करती हूँ। लेकिन वैसे आपको मिल जाता है ऑनलाइन अगर आप पता करें, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे देवर जो जहाँ से खाने लेते हैं उस आंटी का नंबर बता दें, बने बनाए खाने क्योंकि इनके बेटे को चाहिए। बिल्कुल मुझे याद है और मैंने आपको जवाब भी दिया था। चले मैं आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करती हूँ उसको मैसेज करूँ, अगर वो मुझे जवाब दे देगा तो मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो है ना उसमें बाद में मैं आपको फिर जवाब दे दूँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि वो मुझे याद तो है। कल मुझे कई दफ़ा आपकी बात याद आई क्योंकि काफ़ी लोगों का इसमें भला हो जाता है, बने बनाए खाने लोग यहाँ पर बेचते हैं। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है तो वो भी मंगवा लेती है, कहती है वहाँ भी एक पाकिस्तानी खातून बड़ा अच्छा खाना बनाती है, तो जिसने दिल नहीं करता तो वो मंगवा लेती है।
कभी कभी मैं पूछूं आज क्या पकाया है, तो कहती मामा आज कुछ नहीं पकवाया, आज हमने मंगवा लिया है। और वो आंटी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच दीपू शर्मा, आप बड़ी क्यूट हैं आंटी जी, सो स्वीट ऑफ यू, आप भी बहुत क्यूट हैं, आप बहुत नाइस हैं जो इतनी अच्छी बात कर रही हैं। देखिए ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, यही अच्छी बात करते हैं है ना, जो दूसरों को तंग करते हैं तो वो क्या अच्छी बात करेंगे, दूसरों को तंग करते हैं। अभी मैं शुरू में जो बात मैंने की है, अगर आपने शुरू से सुनी हो वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से तो वो बेचारी बच्ची परेशान है कि 10 साल पुरानी मेरी फ्रेंड है, वो मुझे इतना तंग करती है, इतनी मेरी बेइज्जती करती है, तो वो फ्रेंड काहे की हुई। अ फ्रेंड इज इन नीड, जो है ना वो फ्रेंड इन डीड होती है, तो वो तो फ्रेंड ही नहीं है, उसको आप 10 साल तक फ्रेंड समझती रही हैं। अगर वो आपका साथ नहीं दे रही हैं तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो हर रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ही रिस्पेक्ट है, ये लव शव कुछ नहीं होता। ये कहते हैं ना दुनिया वाले आई लव यू, ये लव सब झूठ है। अगर कोई बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके घर वालों की रिस्पेक्ट करता है, आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, तो बस फिर ये बंदा अच्छा है या बंदी। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपके घर वालों को माँ बाप को भी बुरा भला समझता है, ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है। और ये हमारे यहाँ के आदमियों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हम सिखाते नहीं हैं अपने बच्चों को, हम अपने बेटों को सिखाते नहीं हैं, हमने तरबियत अच्छी नहीं की माओं ने, और उन बेटों ने भी आगे से यही देखा है, उनके बाप भी यही कुछ करते थे अपनी बीवी के साथ। तो ये एक विशेष सर्कल है जो मौजूद है और जो चल रहा है और चलता चला जा रहा है। तो रिस्पेक्ट सबसे टॉप पे आती है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखिए। और अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि उसका ज़र्फ उसके साथ, आपका ज़र्फ आपके साथ, ठीक है ना आप कहाँ से हो फिर मुझसे पूछ रहे हैं। जी मैंने अभी बताया था, आपको नहीं बताया, अच्छा किसी और को बताया, काफ़ी दफ़ा बताया। मैं तो पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से हूँ, इस वक्त मैं यूके में अपनी बेटी के पास मौजूद हूँ। तो बस जी, ज़र्फ़ अपना अपना, नसीब अपना अपना, ज़िंदगी अपनी अपनी, अपनी ज़िंदगी है, कोई आपकी ज़िंदगी में मुखिल नहीं हो सकता, कोई आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकता। आप स्टैंड लें, आजकल पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, अच्छे से सोच समझ के अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी किताबों से आपको अच्छी बातें भी मिलेगी। और सबसे बढ़कर ये कुरान को पढ़ें, समझें, अच्छी अच्छी बातें करें दूसरों के साथ, बुरी बातों में शामिल ही ना हो। जहाँ आपको लगे कोई किसी की गिबत करे, कोई किसी की बुराई करे, उधर से उठ जाए, सचमुच सुकून रहेगा ज़िंदगी में। वहाँ पर बैठे ही ना, दोस्त सोच समझ के बनाएं। ये 10 साल तक आपने ये दोस्त रखी, कैसे रखी, अब तो छुट्टी करा दें उसकी दोस्त, क्योंकि क्या उसे कहते हैं ना, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो हाथ मिलाने वाले तो बहुत दुनिया में मिल जाते हैं, दोस्ती का तभी पता चलता है ना जहाँ पर इज्जत और बेइज्जती का मामला आए। ये इज्जत और बेइज्जती जो है ना, ये घर बनाती भी है और ये घर बिगाड़ती भी है। ये ज़ुबान आपका घर बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इज्जत और बेइज्जती हम ज़ुबान से ही करते हैं ना, दिल से इज्जत करने वाले अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं। समरीन फारूक जी बिल्कुल। तो हमारे पठानों में एक है ना मकूला है कि दा जब अचिदा हम कला दा हम बला दा, कि ये ज़ुबान जो है ना ये किला भी है और बला भी है। अब इसको बला बना लो आप या किला बना लो, जैसे किला में कैद करके आप सुकून से अपनी ज़ुबान को रखते हैं, चुप करके रहते हैं, किसी की बेइज्जती में नहीं है। हाँ किसी की इज्जत करनी हो तो आप ज़रूर कर लेते हैं, बला नहीं बनाते, ज़ुबान को बला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बला जो है ना फिर सब कुछ खा जाती है, अजदहे की तरह होती है फिर तो वो ज़ुबान। कैसी हैं वकास खान कह रहे हैं, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं तो जनाब बस ये थी आज की, काफ़ी लंबी बात होगी, तकरीबन 1 घंटा बात होगी, पता ही नहीं चला। आपके साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। कोशिश करूंगी मैं इस टाइम पे आ जाया करूं, आप लोग भी कोशिश करें कि आ जाया करें। मेरा तो ख्याल था कि आज कम लोग मुझे मिलेंगे, क्योंकि पश्तो दर्जी वकास खान वही आओ जी माला, बिल्कुल पश्तो रा पुख्तो राजी तासो तो कम जाए है और तासो सवाए नोर किसनो रा खबर कवै माता हुआ है, बिल्कुल पुख्तोला राजी मरदान है मदमा प्लारों पुख्तनों।
बस पुख तो वह कोर के लें जी। मिसेज अफरीदी भी आ गई होम मेकिंग विद मिसेज अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जी? हम तो अब जाने वाले थे आपने आज फिर पकड़ लिया, क्या हाल है? और आपकी तरफ से कोई जो है ना मुझे खैर खबर नहीं मिली। आप समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ, आपकी कोई वीडियो नहीं आई आपने तो कहा था मैं जल्दी कुछ करूँगी, तो जो काम करना है जल्दी जल्दी कर लें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, वक्त का कोई पता नहीं, सेहत का कोई पता नहीं, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। अपने अपने काम करें, जिस चीज़ का शौक़ है वो करें, अपनी हॉबियाँ अपनाएं, अपने मशगलें अपनाएं, और कुछ नहीं तो वीडियो बना लें। एक फ़ोन तो आपके पास होगा ही, कोई भी वीडियो बना लें, कोई खाना बनाती हैं, कोई वॉक करती हैं, कोई बात आपके जहन में आ रही है, द बेस्ट थिंग इज़ दैट एंड द ईजीएस्ट वे, ठीक है ना? तो बस यही मेरा आज का पैगाम है कि इज़्ज़त करें, अपने आप को मसरूफ रखें, किसी के लिए बुरी बात ना करें, सोचे भी ना। अल्लाह ताला दुआएं तभी कबूल करता है जब आप दूसरों के लिए ग्रजेस नहीं रखते। ग्रजेस को निकाल बाहर करें, ठीक है ना? वाह वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया दीपू शर्मा जी, आपको अच्छी लगी हमारी बात तो सच्ची बात है ना दीपू हैं जी, हम लोग दिमाग में ग्रजेस रखते हैं, दिल में ग्रजेस रखते हैं, और वो फिर सब कुछ जो है ना आपके चेहरे पे भी आ जाता है, मुंह फुला के बैठ जाते हैं, दूसरों से नाराज़ हो जाते हैं, दूसरों के माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। सबसे बुरी बात किसी एक औरत को, एक बीवी को जो लग सकती है, उसके माँ बाप की इज्जत ना की जाए, उसको बुरा भला कहा जाए। तो अल्लाह ताला बचाए, और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़रूर ये सिखाएँ, अपने बेटों को ज़रूर सिखाएँ कि जो बीवी आती है उसके माँ बाप की इज्जत करनी है। उन्होंने आपको अपनी बेटी दी है ना, लेकिन हम ये नहीं समझते, हम नहीं समझते। अल्लाह ताला तौफीक दे हमें सीधे रास्ते पे चलने की, और अल्लाह ताला हमारे लिए, हम सब के लिए आसानियां करे इंशाल्लाह ताला। कल फिर आऊँगी, और आप लोग भी बताएं किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, कोई टॉपिक भी सोच लिया करें ताकि हम चलें जी, बहुत शुक्रिया। इंडिया आए कह रही हैं चलें जी, देखिए ज़िंदगी में कहाँ कहाँ जाना लिखा है, अब तो इस उम्र में आना जाना ही मुश्किल होता है। ये बस बेटी ने बहुत शोर मचाया था कि आ जाएं, तो हम इधर आ गए। तो खुश रहिए जहाँ रहिए, दुआ कर लेते हैं, और आप एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करते रहें। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन सुम्मा आमीन।